शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 ही नमो नमः जय माता दी। मैं हूं पंडित सुनील भारद्वाज और आप देख रहे हैं महामाई के दिनों में नवरात्रों पर हमारी विशेष पेशकश आए नवरात्रे। महामाई आज हम पर कैसे कृपा बरसाती है और कैसे आप हमसे जुड़ सकते हैं, करिए इन पर फोन। हमसे सीधी बात कर सकते हैं, हमारा टोल फ्री नंबर है 1-800-102-6303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120-464-6332, 0120-464-6327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। नव दुर्गाओं में माँ का पांचवा स्वरूप स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। भगवान स्वामी कार्तिकेय को, जो देवासुर संग्राम के सेनापति थे, जब देवासुर संग्राम हुआ तो उसके सेनापति इनको बनाया गया। इनकी माँ होने का गौरव, कहते हैं माँ ने स्कंद कुमार को अपने पास रखा, यानी कि गोद में बिठा के रखा, इससे इनका नाम पड़ा क्या, स्कंद माता। स्कंद कुमार हैं, स्कंद कुमार की ये माता है। अच्छा, इनका जो विग्रह है ना, उसमें स्वामी कार्तिकेय इनकी गोद में है। माँ की चार भुजाएं हैं और चारों भुजाओं बहुत प्रभावशाली हैं। अच्छा, दाहिने हाथ की भुजा में तो स्वामी कार्तिकेय को गोदी में बिठाए हुए हैं। अच्छा, नीचे की दूसरी भुजा जो है वो अभय मुद्रा में है और एक भुजा में माँ की कमल पुष्प है। ये क्या देने वाली है, ये हमें संकेत देती है माँ कि अगर मेरे बच्चे किसी भी कष्ट में है, बाधा में है, तो मैं उन्हें गोद में उठा लूंगी और अभय मुद्रा उन्हें दूंगी। अच्छा, कमल पुष्प इस बात का संकेत है कि महामाई हमेशा आपके घर में वास करती रहे। ओ माँ लक्ष्मी च विद्महि विष्णुपति ते धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। लक्ष्मी का वाहन भी मानते हैं। स्कंद माता सदा कमल पर आसन वास करती है, यहाँ पर कमल पर सवार रहती है, क्योंकि इसीलिए लक्ष्मी की दिवाली के दिनों में हम पूजा भी करते हैं। माँ समस्त कार्य सिद्ध करती है। इस लोक में प्राणी को परम शांति मिलती है। सब लौकिक तेज, जो उसके पास तेज होता है ना, आभा होती है, वो इन्हीं माँ की कृपा से मिलती है। माँ मोक्ष की भी प्राप्ति करा देती है, अंततः बच्चे को मोक्ष भी प्राप्त होता है। निधि जी हमारे साथ अगली कॉलर जुड़ी हैं। निधि जी, आप प्रश्न पूछे हमसे डिटेल बताकर। सर, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 26 फरवरी 1992। 26 फरवरी 1992। टाइम और बताने दीजिए। सर मुझे टाइम नहीं पता, लेकिन यह 6:30 से 7 के बीच का टाइम है, शाम को। बिल्कुल बिल्कुल, आप परेशान मत होइए। स्थान और बता दें। ये चरखी दादरी के पास गांव है, मंदोला। जी जी, क्या पूछना चाहती हैं आप, बताइए। मैं सर बैंकिंग सेक्टर के लिए तैयारी कर रही हूँ, तो मुझे ये पूछना था मेरी गवर्नमेंट जॉब का कब तक चांसेस है, कब तक लगेगी। बिल्कुल, देखिए यहाँ कुंडली के आधार पर एक चीज तो नौमी कृष्ण पक्ष हर्षर योग में ज्येष्ठ नक्षत्र चरण का जन्म है। क्योंकि आपने समय बहुत प्रॉपर नहीं बताया, इसलिए लगन करेक्ट नहीं पता लगता, मगर फिर भी आपको महामारी के दिनों में बड़ा सुंदर उपाय बताए थे आपने। एक 5 वर्ष की कन्या को आलता और माता का सिंगार का समान एक नारियल पूंच वाला, यानी कि जिसमें चोटी हो ऐसे वाला नारियल देना है, पूरा नहीं छीलना नारियल, और उस पर 5 बार मौली लपेटनी है, अपने मस्तिष्क पर लगाकर कन्या को दे दो। बहुत जल्दी आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। राकेश जी हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ गए हैं। राकेश जी, अपनी डिटेल बताकर आप प्रश्न पूछ सकते हैं हमसे। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, मैं राजेश बोल रहा हूँ। हाँ जी, बताइए, डिटेल बताएं। सर जी, मेरे लड़के का नाम सन है 2000। पूरी डिटेल बताएं। हाँ जी, पूरी डिटेल बताएं। 2000 का जन्म है सर उसका, और फरवरी महीना है और 14 तारीख का है। 14 तारीख, महीना कौन सा था? महीना दूसरा। दूसरा महीना, 14/2/2000। हाँ, 2000 का। और सर सुबह 5:30 बजे का जन्म है इसका। बिल्कुल बिल्कुल, आपको बताए थे कुंडली के आधार पर।
क्या पूछना चाहते हैं बच्चे के बारे में? सर जी, हमारा लड़का बहुत ही चिड़चिड़ा रहता, बात बात पे मारने मरने पर तुल जाता है। बिल्कुल, आप परेशान मत होइए, महामारी के दिन है और आज तो माँ स्कंद माता का दिन है, बिल्कुल आपकी मनोकामना पूर्ति होगी, बच्चा बिल्कुल शांत हो जाएगा। अब आपने उपाय क्या करना है इसके लिए, देखिए आप अपने घर के पास कोई भी एक मंदिर ले लीजिए, उस मंदिर में 5 आप वृक्ष लगाने हैं। अब इसमें एक पीपल का लगा दें, छोटा सा पौधा लाके लगा दें, और एक लगा दें आप तुलसी का, और 3 लगा दें अशोक के। ये 3 पौधे अशोक के लगाएंगे, एक तुलसी का और एक पीपल का, ये पौधे लगा दें नवरात्रों के दिनों में लगा दें। इससे आपके बच्चे की जो बुद्धि है वो बहुत अच्छी निर्मल और निश्चल हो जाएगी। सुनीता जी हमारे साथ अगले जुड़ गई हैं। सुनीता जी, अपनी डिटेल बताकर आप प्रश्न पूछ सकते हैं हमसे। जय माता गुरुजी जी। हाँ जी गुरुजी, मैंने आपसे पहले 3 दिन पहले क्वेश्चन किया था। हाँ जी, हाँ जी, बताइए, डिटेल बताएं। हाँ जी, वो मेरी प्रॉब्लम सोल्व नहीं, कपड़े की दुकान है पंडित जी। थोड़ा सा जोर से बोले, थोड़ा सा। पंडित जी, कपड़े की दुकान है। हाँ जी, हाँ जी, आप बताइए। तो जैसे आपने बताया उत्तर दिशा में रखो कपड़ा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो पंडित जी, मेरा सारा कपड़ा वापिस आ रहा है, ये 2 पड़ोसी हैं, इन्होंने दुखी कर रखा है। आप देखिए, हमने आपको बताया कि आप अपना जितना कपड़ा है, जो बेचने वाला कपड़ा है, उसको आप उत्तर की दिशा में, अगर आप साउथ वेस्ट में कपड़ा रखेंगे कोई भी व्यापारिक प्रतिष्ठान में, जितना सामान साउथ वेस्ट में रखेंगे वो नहीं बिकता। उत्तर की दिशा में रखिए और उसको रख के थोड़े दिन इंतजार कीजिए, वो जल्दी बिक जाएगा। यानी कि कम से कम, हाँ जी, हाँ जी, मेरे यहाँ ना काली उड़द, तिल और सिर की चोटी के बाल मिले हैं इन कपड़ों के नीचे। हाँ, आप परेशान मत हो, देखें क्या करना है आपने। अब ये जो सामान मिला है इसे आप जल प्रवाह कर दें। एक और उपाय बताते हैं ताकि इसमें नजर और कोई जादू टोना अगर आपको लगता है किसी ने किया है तो वो भी नहीं होगा। 1 नींबू, 7 हरी मिर्चें लाल डोरे में मंगलवार के दिन अपनी दुकान के बाहर शाम को 4 बजे के बाद टांगना शुरू कर दो। सभी तरह से आपकी रक्षा होगी और आपका कारोबार भी अच्छा चलेगा। राधिका जी हमारे साथ अगली कॉलर जुड़ गई हैं। राधिका जी, आप अपनी डिटेल बताकर हमसे प्रश्न पूछ सकती हैं। बहुत बहुत नमस्कार पंडित जी। कल्याण जी आपका, बताएं डिटेल। पंडित जी, मैं एक 11-83। एक बार दोबारा से दोहराएं। 11-83। 11-83, समय और बताएं। जी, समय, जन्म का समय बताएं। जन्म का समय 11-83, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर के पास। जी हाँ जी, मेरी परेशानी बता। हेलो, क्या परेशानी है बताइए। हाँ जी, मैं, मेरे पति का और मेरा बहुत बनती नहीं है बिल्कुल पंडित जी, बहुत कलेश रहता है, और मेरे माता पिता ने मुझे जो प्रॉपर्टी जमीन देने से दिया नहीं, बहुत जी जी। और नौकरी में कोई उन्नति नहीं है, बच्चे पढ़ते नहीं है। बिल्कुल आप परेशान मत होइए, इसके लिए हम आपको उपाय बताते हैं। माई के दिन है, एक उपाय कीजिएगा आप, इससे आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। एक आप पीतल की घंटी लीजिए, पीतल की घंटी लाल कपड़े में बांध दीजिए। अभी ऐसा यथाशक्ति ले सकते हैं, बड़ी भी ले सकते हैं, छोटी भी ले सकते हैं। इसको लाल कपड़े में बांध दीजिए। एक नारियल, एक चुन्नी लीजिए और किसी देवी के मंदिर में दे दीजिए, और साथ में एक तिकोना झंडा लेकर उस पे जय माता दी लिखा हुआ हो वो फहरा दीजिए। बहुत जल्दी आपके संबंध अच्छे होंगे और आपकी मनोकामना की भी पूर्ति होगी। चंदन जी हमारे साथ अगले चौलर जुड़ गए हैं। बिल्कुल आप प्रश्न पूछ सकते हैं अपनी डिटेल बताकर। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार, कल्याण हो आपका। मैं असम से बोल रहा हूँ। जी जी, बताइए डिटेल बताएं। 17 अक्टूबर 1984 दिन को 1:55 को जन्म हुआ था दुमदुमा में। अच्छा, क्या पूछना चाहते हैं आप? पंडित जी, मेरा आज तक कुछ नहीं हो रहा, 30 साल हो गया, अभी एक लड़की भी हो गया, लेकिन आज तक कोई भी बिजनेस में मैं सक्सेस नहीं हो रहा हूँ। अभी क्या बिजनेस करते हैं आप? अभी तो फिलहाल कुछ भी नहीं है, थोड़ा दिन आगे में मैं वो थोड़ा काठ का काम कर रहा था। जी जी, लॉस हो गया। अरे बिल्कुल आप परेशान मत होइए। नौमी कृष्ण पक्ष शिवा योग का पुनर्वसु नक्षत्र के द्वितीय चरण का जन्म और कुंडली के आधार पर आपकी कुंडली मकर लगन की कुंडली है। कुंडली में देखें तो यहाँ पर आपकी कुंडली में शनि सूर्य ये दशम भाव में बुध की युति बनाए हैं, जबकि महादिशा की हम बात करेंगे। इस समय महादिशा की आपकी कुंडली में चल रही है बुध की। एक तो अपने वजन के बराबर एक बार गौशाला में चारा दान दे दो, ये आपने अपने वजन के बराबर एक बार देना है। और बुधवार के दिन हरे कपड़े में साबुत मूंग बांधकर ये आप किसी पुजारी जी को सुबेरे सुबेरे दे दो बुधवार के दिन।
और इसी के साथ शनिवार के दिन एक छतरी शुक्रवार को खरीद के लाओ और शनिवार को एक नारियल के साथ दे दो। ऐसा करने से आपका कारोबार पुनः खुल जाएगा महादिशा, और आपके योगों का ये बहुत अच्छा उपाय है, ये करके देखिए। गायत्री जी हमारे साथ अगली कॉलर जुड़ गई हैं। गायत्री जी अपनी डिटेल बताकर आप प्रश्न पूछ सकती हैं हमसे। हाँ पंडित जी प्रणाम। प्रणाम, कल्याण हो आपका। कहते हैं मेरा नाम गायत्री सिंह है जी जी। मैं कानपुर में, वैसे मेरी शादी लखनऊ में हुई है, मैं कानपुर में रहती हूँ जी जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ 13 अक्टूबर 1984 है। 13 अक्टूबर 1984, समय और बताएं। समय मैं करवा चौथ को मतलब चांद निकलने के आधा घंटे बाद हुई थी, उस दिन 7:40 पे चांद निकला था, टाइमिंग एग्जैक्टली निकाले था। चलिए कोई बात नहीं, हम शाम का समय डाल कर निकाल देते हैं, लगन 2 घंटे में बदलता है। स्थान और बता दें जन्म का। कानपुर। क्या पूछना चाहती हैं आप जी? हमारी जॉब के लिए, सरकारी गवर्नमेंट जॉब के लिए मैंने बहुत अप्लाई किया, मतलब सब कहते हैं कि तुम्हारे उसमें है भाग में, लेकिन अभी तक तो मैं 30-35 साल उम्र हो रही है, कहीं कुछ नहीं है। नहीं नहीं, हम आपको हस्बैंड का ही बिजनेस सही नहीं चल रहा है। नहीं, हम आपको बताते हैं। देखिए हस्बैंड के घर में तो बुध आदित्य योग बने हुए हैं, जबकि आपकी हम बात करेंगे। आपको इसलिए लोग बताते हैं कि गुरु आपके स्वघर ही बैठे हैं दशम भाव में, इसलिए आपको सरकारी नौकरी के लिए लोग बताते हैं। अब यहाँ पर महादिशा की ये बात, बिल्कुल महादिशा देखना चाहेंगे, राहु की महादिशा चल रही है। अब राहु की महादिशा में कभी कभी ऐसा संभव नहीं होता। आपने एक सरल उपाय क्या करना है, आप नई ईंटें ले लीजिए 11, कोई देवी के मंदिर का निर्माण चल रहा हो वहां ले जाकर, यथाशक्ति हमने 11 कम से कम बता दिया आपको, ज्यादा तो आप कितनी भी दे सकते हैं, 11 नई ईंटें दे दो, और ये देनी है आपने दशहरे से पहले पहले, बहुत जल्दी आपकी जॉब लग जाएगी। ये बहुत सुंदर उपाय करके देख लीजिएगा। ठीक है, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आए नवरात्रे। चलिए जानते हैं स्कंद माता को प्रसन्न करने का वो खास उपाय क्या है जिससे महामाई हम पर कृपा बरसाए। अच्छा, नारियल की बर्फी है ना, ये माँ को आज बड़ी प्रिय है। गौ के घी से बने हुए यहाँ पर कुछ भी भोग दे दीजिए। 7 कन्याओं को प्रसन्न करना है आपने, और उनकी प्रसन्नता आपको स्वयं मिल जाएगी। जब आप भोग खिलाते हैं ना कन्या को, तो आपकी मनोकामना की पूर्ति होती है। अब हम बात करते हैं संजय जी से। संजय जी, क्या पूछना चाहते हैं हम आप? नमस्कार। हाँ बताइए आप जी। मेरा संजय चौहान नाम है मेरा। जी जी जी। मेरा जन्म 3 दिसंबर 1994 को हुआ है। तिरानवे को। जी जी बताएं। 3 दिसंबर 1993 को रात के 12:05। 12:05, ठीक जी। क्या पूछना चाहते हैं जी? मैं UPSC के लिए तैयारी करना चाहता हूँ, क्या उसमें मुझे सफलता मिलेगी? सवाल तो आपका बहुत अच्छा है, और इच्छा भी बड़ी अच्छी रखी है आपने, और प्रश्न भी बहुत सही समय पूछा, महामारी के दिन में प्रश्न पूछा, मनोकामना तो आपकी पूर्ण होगी। अब आपने करना क्या, देखो कुंडली के आधार पर एक योग है, इस समय वर्ष कुंडली में थोड़ी आपकी कालसर्प योग अवश्य बना हुआ है, जबकि प्रश्न कुंडली में भी देखें तो यहाँ पर गुरु अस्तु है। अब आपने करना उपाय सबसे सुंदर ये है कि अपने घर के नॉर्थ की तरफ फेस कर तो स्टडी कीजिए, और नॉर्थ में ही एक पीले रंग का बल्ब जला के रखो, नियमित रूप से जलता रहे, छोटा सा बल्ब जला दो, और यहाँ पर सरस्वती मंत्र की स्थापना कर दो, बहुत जल्दी आपको कामयाबी मिलेगी, चिंता मत कीजिए। प्रभात जी हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ गए हैं। प्रभात जी अपनी डिटेल बताकर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ जी बताइए डिटेल। 26/12/75। समय और बताएं। समय 4 बजे सवेरे। सवेरे 4 बजे बरेली। बरेली, क्या पूछना चाहते हैं प्रभात? यही सर कि मेरा समय कब की होगा, क्या चल रहा है, क्या मतलब बड़ा डिस्टरबेंस चल रही है। अभी क्या कर रहे हैं आप? अभी तो कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, कुछ मेरे पास कोई काम धाम नहीं है। इससे पहले क्या काम करते थे आप बताएं? इससे पहले वो करते थे ठेकेदारी। ठेकेदारी करते थे। देखिए आपकी कुंडली के आधार पर शुक्र लगन की कुंडली है, यहाँ पर लगन के स्वामी खुद विराजमान है, राहु के साथ मनों में विचारों में परिवर्तन ये कराते रहेंगे, क्योंकि अष्टमी कृष्ण पक्ष का शोभन योग का जन्म है, हस्त नक्षत्र के द्वितीय चरण में जन्म हुआ, महादिशा इस समय जो चल रही है आपकी वो महादिशा चल रही गुरु की। अब आपने करना क्या, एक सरल उपाय है, आप अपने घर के महामारी के दिन चल रहे हैं, इस समय माता के दिन में आप माँ के आधारित उपाय करेंगे तो सफलता मिलेगी। आपके घर में कोई बुजुर्ग महिला हो, या कोई पड़ोस में हो, या कोई मंदिर में हो, उनका आपने उपाय कराना।
आपने उनको सिंगार का सामान, जैसे माता के सिंगार का सामान होता है, सिंगार का सामान तो किसी कन्या को देना और मिष्ठान उन्हें दे देना ले जाके, बहुत जल्दी आपका कारोबार अच्छा हो जाएगा। प्रियंका जी हमारे साथ अच्छी कॉलर जुड़ गई हैं। प्रियंका जी अपना डिटेल बताकर सवाल पूछें आप। मेरा डिटेल है 4 अगस्त 1992। 4 अगस्त 1992 बिल्कुल। समय और बताएं। सुबह चार बजे। क्या पूछना चाहती हैं प्रियंका जी? सर मैं ये पूछना चाहती हूँ, मेरे पेरेंट्स मेरी शादी के लिए एक लड़का देख रहे हैं, जहाँ भी जाते हैं बात नहीं बनती, तो कब तक होगी? जन्म स्थान आपका कहाँ का है? सर यहीं गाजियाबाद, हापुड़ के पास। हापुड़ के पास गाजियाबाद। शादी की कब तक होगी आपकी शादी? साध्य योग में जन्म हुआ, षष्ठी शुक्ल पक्ष चित्रा नक्षत्र के द्वितीय चरण का जन्म है, कुंडली के आधार पर यहाँ पर आपकी कुंडली देखने को मिल रही है हमें मिथुन लगन की, और लगन में केतु हैं तो स्वाभाविक हो गए राहु चले गए पति वाले घर में, और महादिशा भी देख के बताते हैं आपको। महादिशा जो इस समय आपकी चल रही है वो चल रही गुरु की, और गुरु में प्रतंत्र चल रहे हैं इस समय शनि के। एक समय ऐसा आ जाता है कभी कभी योगों में कि हमें थोड़ा विलम्ब हो जाता है, अब आप परेशान ना हो। माँ कात्यायनी का व्रत कल करें आप, माँ कात्यायनी का व्रत करेंगी। व्रत में क्या करना होगा, 27 अनाज भी ले लीजिएगा, अनाज भी ले लीजिएगा, 27 फल भी ले लीजिएगा, आलता बिंदी माता के श्रृंगार का पूर्ण सामान चुनरी नारियल ये सब ले लीजिएगा, और किसी एक ब्याहता पुरुष या स्त्री जो भी जिनकी जोड़ी बहुत अच्छी दिखे आपको, लगे कि इनके बहुत अच्छे कपल हैं, उनको दे दीजिए। ऐसा करने से आपका भी विवाह संपन्न होगा। महेश जी हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ गए हैं। महेश जी अपनी डिटेल बताकर प्रश्न पूछ सकते हैं आप। महेश शर्मा 6490 डेट ऑफ बर्थ 6490 जी जी। मैं विदेश नहीं जा पा रहा पंडित जी। अपनी वो और बताएं समय, और बताएं समय। समय 10:55 10:55 सुबह का। हाँ सुबह शुक्रवार। स्थान? स्थान कैथल। कैथल हरियाणा। कैथल हरियाणा। विदेश जाने की इच्छा जाहिर की है आपने। द्वासी शुक्ल पक्ष गंड योग मघा नक्षत्र के तीते चरण में जन्म हुआ, कुंडली के आधार पर यहाँ मिथुन लगन की कुंडली है, इसमें काल सर्प योग भी है, कर्कोटक काल सर्प योग है आपकी कुंडली में, और आंशिक रूप से बना हुआ है, इस समय काल सर्प योग भी चल रहा है। जबकि महादिशा की बात करेंगे, सूर्य की महादिशा, 125 ग्राम का तांबे का सूर्य लीजिए, हृदय आदित्य स्त्रोत्र से अभिमंत्रित करा के अपने घर के ईस्ट की दीवार पर स्थापित कर दीजिए, साथ में काल सर्प का यंत्र भी स्थापित कीजिए, रूपक रुद्री घर में अवश्य करा लें, बहुत जल्दी आपके विदेश जाने के स्रोत खुल जाएंगे। आंचल जी हमारे साथ अगली कॉलर जुड़ गए हैं। आंचल जी अपनी डिटेल बताएं और फिर हमसे प्रश्न पूछे आप। हमें सुन पा रहे हैं आंचल जी? 1996। हाँ जी बताइए, डिटेल बताएं जोर से। 9 सितंबर 1998। समय और बताएं। 1996 सितंबर। 9 सितंबर 1998। हाँ जी। समय और बताएं। तो समय 11:30 के बीच, 11:30 दिन का नहीं, रात का, रात्रि का। यस सर। स्थान कौन सा था? सब मेरठ में, दिसोरी गांव में। वहाँ क्या पूछना चाहती हैं बताइए। तो मुझे ये पूछना है कि फ्यूचर में मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं। बिल्कुल, आपको बताते हैं सरकारी योग है आपकी कुंडली में या नहीं। चतुर्थी कृष्ण पक्ष ध्रुव योग, यहाँ पे अश्वनी नक्षत्र के तृतीय चरण में जन्म हुआ, कुंडली के आधार पर ये गणमूल का नक्षत्र आता है, कालसर्प योग भी है आपकी कुंडली में, शंखपाल कालसर्प योग है आपकी कुंडली में, कालसर्प का अनुष्ठान अवश्य करा लें, घर के अंदर कालसर्प का यंत्र स्थापित करें, 125 ग्राम का चांदी का स्वास्तिक बनाकर अपने घर की चौखट पर लगाएं, और महामाई के दिन 5 डाब नारियल जो होते हैं ना हरे वाले, वो कन्याओं को खिला दें, बहुत जल्दी आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। अब हम आपको बताते हैं कि महामाई कात्यायनी का व्रत उपवास, इनके लिए क्या तैयारी करें, कैसे इनकी पूजा करें, कैसे इनकी उपासना करें कि सबके ऊपर ये कृपा बरसाए। महामाई की पूजा उपासना करने के लिए कन्या, जिसकी कन्या में विलंब हो रहा हो, कन्या की विवाह में आ रहा हो कि मेरी बहुत जल्दी मैरिज नहीं हो रही, जैसे अभी बहुत सारे कॉलरों ने हमसे पूछा कि मेरी मैरिज में कोई ना कोई अड़चन आ रही, उनके लिए माता का व्रत करना अनिवार्य है। व्रत उपवास कीजिए, भगवान कृष्ण और गोपिकाओं को, यानी कि भगवान कृष्ण को पाने के लिए गोपिकाओं ने भी यही व्रत किया था। माता के श्रृंगार का सामान, राधा रानी की पोशाक ले लीजिए, राधा रानी की पोशाक यथाशक्ति ले सकते हैं, कन्याओं को भोजन कराइए, हो सके तो अपने घर में बुला के कराइए,
और ये मानकर कराइए महामाई मेरे घर में आई हैं, माँ कात्यानी मेरे घर में आई हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमसे कल मिलना चाहते हैं तो अवश्य आप हमसे कल मिलिएगा और हमारे से हम बताएंगे आपको महामाई कात्यानी के बारे में कि वो कैसे कृपा बरसाएंगी। और आज के लिए बस इतना ही। जय माता दी।